अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं माहीन सैयद। यहां पर वक्त हुआ है हेडलाइंस का, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। लाहौर के होशियार बाश ब्रायलर मुर्गियों में चार बीमारियों का इंकशाफ। बीमार मुर्गियों की बाजार में सस्ते दामों फरोख्त जारी। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि बर्ड फ्लू की अलामत जैसी बीमारियां फैलने से पोल्ट्री फार्म और गोश्त फरोख्त करने वालों को वायरस लाहक होने का खदशा है। शालामार अस्पताल का फजला बिकने लगा, एड्स और हेपेटाइटिस फैलने का खदशा। तीन मुलाजमीन गिरफ्तार, मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज। सानिया खाड़क स्टॉप मरहदम फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी, जहां बाघ अपराध की तादाद 21 हो गई। एक शख्स को 47 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। 30 साल गुलाम अब्बास जिना अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में तेरे इलाज। वजीर आला मियां शहबाज शरीफ का मनहदम होने वाली फैक्ट्री का दौरा, खुद तहकीकाती रिपोर्ट में LDA और जरिए हुकूमत सानह के जिम्मेदार करार। चिड़ियाघर इंतजामिया और गोश्त सप्लाई करने वाले ठेकेदारों का तनाजा बरकरार, शेर मुसलसल 3 दिन से भूखे, चिकन खाने पर मजबूर। जनरल बस स्टैंड की ठोकर न्याज देख मुंतकली के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की रैली और पहिया जैम हड़ताल। अड्डा मुंतकली से शहरियों के मसाइल में इजाफे का इम्कान। ठोकर से बादामी बाग तक रिक्शे का किराया 300 रुपए, जबकि वैगन के सफर में 2 घंटे दरकार होंगे। PIC के सामने पैरामेडिकल स्टाफ की गुंडागर्दी, एहतजाज के बाद खातून एम्बुलेंस में ही दम तोड़ गई। 100 अफराद ने 4 घंटे तक आधे शहर को यरगमाल बनाए रखा। हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पेश न होने पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया को हथकड़ियां लगाकर अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की कार्रवाई, प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर इचरा, मजंग और फिरोजपुर रोड पर 54 दुकानें, दफातर और एक यूटिलिटी स्टोर सील कर दिया गया। माली साल 2010 और 11 के दौरान महकमा बल्दियात देही तरक्की में 34 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ बदनवानियां सामने आई। तवानाई टास्क फोर्स के सरबराह गौहर एजाज ने तवानाई बहरान के हल के लिए तजावीज पेश कर दी। उधर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन हर साल UET को गैस जखायर की दरियाफ्त के लिए तहकीक की मद में 33 लाख रुपए ग्रांट देगी। वजीर आला मियां शहबाज शरीफ की अपने मुआविन खसूसी इलियास खान के घर जाकर वालिद की वफात पर ताजियत, मरहूम के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। तहरीक इंसाफ PP 125 डिफेंस के सदर नीलम अशरफ की रिहाशगाह पर महफिल मिलाद। उधर गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप में सीरत नबी क्विज मुकाबला GCU के तालिब इल्म उबैदुल्ला साही ने जीत लिया। PC होटल में 150 मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज के स्टॉल पर मुश्तमिल 2 रोजा एजुकेशन एक्सपो, जबकि जनरल हॉल में 2 रोजा साइंटिफिक सिंपोजियम का आगाज हो गया। MM आलम रोड गुलबर्ग में बैन अवकामी मयार के हामिल ब्रांड फेवा शूज की 5वीं ब्रांच का इफ्तिताह। आउटलेट पर सांप और मगरमच्छ की खाल के जूते भी दस्तयाब। और विमेंस नेटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल, मैदान जंग बन गया। वापडा टीम हरीफ साइड आर्मी के खिलाड़ियों पर थप्पड़ और मुक्कों से टूट पड़ी। टूर्नामेंट कमेटी ने वापडा टीम को मुअत्तल करते हुए आर्मी को फातिह करार दे दिया। लाहौरिये होशियार बाश डेंगी और PIC इशू के बाद एक और मुसीबत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। ब्रायलर मुर्गियों में 4 बीमारियों का इंकशाफ हुआ है, इससे इंसानों के भी मुतासर होने का खदशा है। पोल्ट्री फार्मर्स ने बीमार मुर्गियां सस्ते दामों बाजार में फरोख्त करना शुरू कर दी हैं। बाज इलाकों में तो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त भी फरोख्त किया जाने लगा है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत में फरोख की जाने वाली ब्रायलर मुर्गी में 4 मुख्तलिफ बीमारियों का इंकशाफ हुआ है, जिनमें ND, करेजा, CIT और ग्रोमोरो शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये मुहलिक बीमारियां हैं। ऐसी बीमार मुर्गियों का गोश्त खाने से इंसानी सेहत पर भी बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। हमारी पोल्ट्री है, इसमें कुछ ना कुछ बीमारियां फैलती रहती हैं
और अभी ये जो अभी एक वबाई सूरत हाल बनी हुई है कि बहुत सारे चिक्स जो हैं उनको उनकी काफ़ी ज़ाया हो रहे हैं और उनकी डेथ हो रही है। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, पोल्ट्री वर्कर्स हैं, उनमें ये छाती की बीमारी बहुत कॉमनली हो जाती है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए वबा में चली जाती है ये जो वायरस है, और वहाँ से जो सांस के ज़रिए पोल्ट्री वर्कर्स में ये अफेक्ट करती है और उनके फेफड़ों को अफेक्ट कर देती है। उनका ये भी कहना है कि मुर्गियों में गर्दन तोड़ बुखार भी पाया जा रहा है जिससे इंसानी सेहत मुतासर हो सकती है। जराए के मुताबिक बीमारियों के बाइस दुकानदार आधा किलो तक वाली मुर्गी भी फरोख कर रहे हैं, जबकि ये भी इंकशाफ हुआ है कि मार्केट में बड़ी तादाद में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त भी फरोख किया गया है। टोलिंटन मार्केट से सुबह जारी होने वाली रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर की गोश्त की फी किलो कीमत 206 रुपए है, जबकि शहर के बाज इलाकों में कम वजन वाली बीमार मुर्गी का गोश्त 140 से 150 रुपए तक फरोख किया जा रहा है। पोल्ट्री फार्मर्स ने बीमार मुर्गी से जान छुड़ाने के लिए कीमत गिरा दी है और ये मुर्गी खाने से शहरियों की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। शालामार अस्पताल में तलब के लिए आने वाला फजला फरोख्त करते हुए 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल के मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने रायबिन रोड पर वाके गोदाम पर छापा मारकर अस्पताल के फजला की बड़ी मकदार बरामद की और शालामार अस्पताल का ट्रक भी कब्जे में ले लिया। छापामार टीम के मुताबिक शालामार अस्पताल में फजला तलफ करने का प्लांट पिछले 15 सालों से नस्ब है, जहां पर प्राइवेट अस्पतालों का फजला भी तलफ किया जाता है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की मिली भगत से मुलाजमीन यह फजला तलफ करने की बजाय फरोख्त कर देते हैं। शालामार अस्पताल के ट्रक ड्राइवर के मुताबिक अस्पताल मैनेजर इमरान यूसुफ इस सारे काम की निगरानी करता है और लाहौर के मुख्तलिफ गोदामों में इस फजला की सप्लाई दी जाती है। ये लोग इस्तेमाल शुदा सरिंजों को साफ करके दोबारा मार्केट में लाने का धंधा करते हैं। गोदाम में सर्जरी आलात और ड्रिप्स की भी बड़ी मकदार मौजूद पाई गई। लाहौर गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के तहत आर्मी पब्लिक स्कूल गैरिजन जूनियर में स्प्रिंग फेस्टिवल और साइंस और आर्ट नुमाइश का अहतमाम किया गया। मजीद बता रही हैं एमन ताहिर। कैन में लाहौर गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के तहत आर्मी पब्लिक स्कूल गैरिजन जूनियर में होने वाले साइंस और आर्ट नुमाइश और स्प्रिंग फेस्टिवल में लाहौर गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक मसूद, प्रिंसिपल फातिमा मुबीन, मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन इब्रारुल हक समेत तलबा तलबात, वालदैन और असातिज़ा की कसी तादाद ने शिरकत की। मेहमानों ने तलबा तलबात के तैयार करता मुख्तलिफ फनपारों पर मबनी आर्ट एंड साइंस नुमाइश देखी और उन्हें बेहद सराहा। मेहमानों ने स्प्रिंग फेस्टिवल का भी दौरा किया जिसमें खाने पीने के स्टॉल्स के अलावा फेस पेंटिंग, कपड़ों और जूते के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। के बच्चों की रिफ्रेशमेंट हो जाती है, फिर उससे पढ़ पढ़ के बेचारे उनका दिमाग घुमा होता है, तो फिर इसलिए उन्हें चाहिए अच्छे होते हैं। पूरे पूरे साल पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब फनफेयर्स वगैरह आते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, इन्जॉयमेंट होती है, फैमिलीज वगैरह भी मिलती है, पुराने फ्रेंड्स वगैरह सब मिलते हैं, तो बहुत इन्जॉय करते हैं हम। यहाँ पे इब्रारुल हक की तरह सेलिब्रिटीज आए होते हैं, उन्हें देखने का भी एक अच्छा मौका मिलता है और ये स्प्रिंग गाला एक बहुत कलरफुल इवेंट हो जाता है सब पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, इतनी स्टडीज के साथ एक ब्रेक भी मिल जाती है हमें। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन इब्रारुल हक ने कहा कि तलबा की ख्वाबदीदा सलाहियतें निखारने के लिए उन्हें मुतवादर मौके दिए जाने चाहिए और भरपूर हौसला अफजाई भी की जानी चाहिए। तफरी के मौके स्टूडेंट्स के पास बहुत कम होते हैं और स्कूल लेवल पे चूँकि उनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है आसानी से, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है, तो ये एक आसान हो गया काम। दूसरा, मुझे बच्चों ने जो काम किया इन्वॉल्व होकर, जैसे क्रिएटिव काम जिसमें इन्होंने अपनी चीज़ें बनाई हैं खुद और वो सेलेबल भी हैं यहाँ पे लगाई हुई स्टॉल्स के तौर पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उससे उनकी मेंटल फैकल्टीज़ में एक स्ट्रेंथ आती है। मेहमानों का कहना था कि ऐसी तकारीब के जरिए उन्हें मिल बैठने का पुरमुसरत बहाना मिल जाता है, ये सिलसिला मुस्तकिल जारी रहना चाहिए। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ एमन ताहिर, सिटी फॉर। नाजिन सानिया खाड़क स्टाफ से जुड़ी एक और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि फैक्ट्री हादसे में एक और जख्मी जो है वो चल बसा है। मरने वाला जो है वो गुलाम अब्बास है और आज गुलाम अब्बास को 47 घंटे बाद जो है वो जिंदा निकाल लिया गया था, लेकिन गुलाम अब्बास जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सिटी फॉर टू के नुमाइंदे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी मुदसर, ये दवासा फैक्ट्री की इमारत मुनहदम होने के बाद उसके मलबे से 47 घंटे गुजरने के बाद निकाले गए 30 साला गुलाम अब्बास को आज सुबह जनाह अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया और जनाह अस्पताल में जब उसको लाया गया तो उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी और गुलाम अब्बास के जिस्म का जो निचला थर है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ था और उसके निचले हिस्से में जो है वो उसकी टांगों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मुकम्मल तौर पर मुस्मत हो चुकी थी। इस दौरान उसके एमरजेंसी में
फौरी तौर पे जो है वो ऑपरेशन किए गए, तहम उसकी हालत नहीं संभल सकी और उसको इंतहाई निगेदार के वार्ड में जो है वो आज जो है वो थोड़ी चंद घंटे कबल जो है वो मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां पे वो जहां पर नहीं हो सका और डॉक्टर्स ने उसकी अब मौत की तस्दीक कर दी है। इसके साथ ही इस फैक्ट्री हादसे यहाँ वहां होने वालों की जो मजमूई तादाद है वो 22 हो गई है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि 47 घंटे बाद मलबे तले से गुलाम अब्बास को निकाला गया, लेकिन गुलाम अब्बास जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया आज जिना अस्पताल में और डॉक्टर्स ने गुलाम अब्बास की मौत की तस्दीक कर दी है। सिटी 42 में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जनरल बस स्टैंड की ठोकर न्याज बेग मुंतकली के फैसले के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स, ताजरों और बादामी बाग से मुंसिक अफराद की कसीर तादाद ने मदीना चौक से बाबा छतरी वाला मजार तक एहतजाजी रैली निकाली। बसों में सवार और प्यादा मुजाहिरीन ने मुसलसल 5 घंटे तक एहतजाज किया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं सिटी 42 के नुमाइंदे रिजवान नकवी की रिपोर्ट में। क्लब के बाहर होने वाले मुजाहरे में मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने शिरकत की। मुजाहरे में शरीक अफराद ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बसें खड़ी करके सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहरीन का कहना था कि जनरल बस स्टैंड की ठोकर न्याज बेग मुंतकिली से इस शोबा से वाबस्ता हजारों अफराद मुतासिर होंगे, हुकूमत कोई भी फैसला करने से कबल उसके नताइज पर भी गौर करे। लारी अड्डा ठोकर न्याज बेग मुंतकिल होने की सूरत में मुल्तान रोड और केनाल रोड पर ट्रैफिक का इतना दबाव बढ़ जाएगा जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। लारी अड्डे में जगह काफी है, शिफ्टिंग का बहाना बना के ये रायविंड की जमीन की कीमत बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को जो गरीब तबका है जो सिर्फ बसों या वैगनों में सफर करता है उसके लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। लारी अड्डे के नाम से करोड़ों रुपए इतना टैक्स वसूल किए, करोड़ों रुपए टैक्स वसूल करके उसके बावजूद कोई सहूलत नहीं सन मिली, उसके बाद अपनी जमीन अपने फार्म इतना तरजीह देने वास्ते लारी अड्डे उत्थे कड़ रहे कि साढ़े उस इलाके की वैल्यू और उस इलाके रायवेंड के इलाके जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। मुजाहरे में शरीक ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि बस अड्डे की मुंतकिली का फैसला वापस ना लिया गया तो सुबह से एहतजाजन बैरूने शहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क में तवानाई बुहरान के बावजूद कमीशन के चक्कर में सीएनजी बसें दरामद की जा रही हैं। सीएनजी हमारे मुल्क में है नहीं, जो गाड़ियां पहले सीएनजी पे कराई हैं वो चल नहीं रही, ये सीएनजी बसें मंगाई गई हैं, अब इसमें सिर्फ कमीशन का चक्कर है, आवाम का कोई फायदा नहीं है। मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल करेंगे, कोई लाहौर से बदामी बाग से कोई बस किसी मुल्क के किसी कोने में न सिंध में न सरहद न बलोचिस्तान न खैबर पख्तून खैबर ख्वा में कोई बस नहीं जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ठोकर न्याज भी एक शहर से बाहर है, बस अड्डे की मुंतकिली पर सिर्फ उनके ही नहीं मुसाफिरों के भी शदीद तहफ्फुजात हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। नजरीन, पीआईसी स्कैंडल को बेनकाब करने पर दुनिया न्यूज को धमकियां दी गई पंजाब हुकूमत की तरफ से। एक बहुत ही अहम मसला पीआईसी स्कैंडल जिसमें 110 जाने जो हैं वो जाया हुई और आजादी सहाफत का जो अलंबरदार कहलाने वाले मीडिया के ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत का दबाव रहा, दुनिया न्यूज को धमकियां दी गई, दुनिया न्यूज के सीनियर एंकर्स को उनकी रिपोर्टिंग टीम को मुसलसल पंजाब हुकूमत की तरफ से ये धमकियां दी गई कि वो पंजाब हुकूमत जो है वो पीआईसी स्कैंडल का मसला जो है दुनिया न्यूज जो है वो दबा दे, लेकिन दुनिया न्यूज ने आजादी सहाफत पर जो है वो एक हमला मुतरादिफ ये आज गिना जाएगा। पीआईसी स्कैंडल के हवाले से दुनिया न्यूज की टीम ने, दुनिया न्यूज के सीनियर एंकर्स ने, रिपोर्टिंग टीम ने जो है वो इस मसले को उठाया, लेकिन पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोलने के नतीजे में दुनिया न्यूज को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। आजादी सहाफत पर एक हमले के मुतरादिफ है, कलमा हक बुलंद करने पर दुनिया न्यूज की पूरी टीम को पंजाब हुकूमत की जानिब से धमकियां दी गई। एक बहुत ही अहम मसला पीआईसी स्कैंडल के हवाले से कि जिसके नतीजे में 110 लोगों से जायद अफराद जो है वो लुकमा अजल बन गए। पीआईसी स्कैंडल में जाली अद्वियात की सूरत में जो है वो चीजें सामने आई और उस नतीजे में दुनिया न्यूज को धमकियां दी गई। इस पूरे मामले की छानबीन के लिए, पूरे मामले को उठाने पर पीआईसी स्कैंडल का ये जो मामला पंजाब हुकूमत की खुली जो है नाकामी था और इसको जाहिर करने के लिए, इसको दिखाने के लिए पूरी कौम को पंजाब हुकूमत ने जो है वो इस पादाश में दुनिया न्यूज को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। पंजाब हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी को बेनकाब करने पर जो है दुनिया न्यूज के एंकर्स को, दुनिया न्यूज की रिपोर्टिंग टीम को मुसलसल धमकियां दी गई। पंजाब हुकूमत का एक बहुत बड़ा जो है वो स्कैंडल था पीआईसी स्कैंडल पे जिसमें कीमती 110 जानों से जायद अफराद जो है वो लुकमा अजल बने
और इस हवाले से दुनिया न्यूज के एंकर्स ने, दुनिया न्यूज की टीम ने इस पूरे मामले को उठाया, जिसके नतीजे में दुनिया न्यूज को पंजाब हुकूमत की तरफ से धमकियां दी गई। ये यकीनन आजादी सहाफत के ऊपर एक हमला है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और कलमा हक बुलंद करने की पादाश में दुनिया न्यूज की टीम को मुसलसल धमकियां दी गई। नाजरीन, आपको एक मतलब फिर बताते चलें कि PIC स्कैंडल जो है उसके नतीजे में 110 अंबात हुई मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर। खसूसन ये PIC स्कैंडल के जो मरीज थे वो बहुत ज्यादा थे, और दुनिया न्यूज ने इस तमाम वाके को उठाया, उसके हकायक से जो है वो पर्दा उठाया, तो पंजाब हुकूमत जो है उसकी तरफ से धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। दुनिया न्यूज के एंकर्स को, दुनिया न्यूज की पूरी टीम को, पंजाब हुकूमत की नाअहली को जो है वो दिखाने की सूरत में पंजाब हुकूमत ने दुनिया न्यूज को धमकियां देना शुरू कर दी। आपको एक मतलब फिर बता चलें कि दुनिया न्यूज के सीनियर एंकर्स को इस हवाले से धमकियां दी गई, दुनिया न्यूज की रिपोर्टिंग टीम को, पूरी दुनिया न्यूज की जो टीम है जिन्होंने PIC स्कैंडल के हवाले से इस जो है मामले को उठाया था, उस पादाश में दुनिया न्यूज को पंजाब हुकूमत की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। यकीनन कलमा हक बुलंद करने के हवाले से जो है वो एक उसके सजा दी जा रही है दुनिया न्यूज को, कि उसको धमकियां दी जा रही हैं और आजादी सहाफत पर एक हमला ये मुतरादिफ करार दिया जाएगा। एक तरफ जो है वो आजादी सहाफत की बात की जाती है हुक्मरानों की जानिब से, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने आजादी सहाफत पर एक हमला ही किया है कि जब दुनिया न्यूज की टीम को उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी हैं PIC स्कैंडल के हवाले से, हलाकतों का मामला दबाने की जो है वो बात की जा रही है, लेकिन दुनिया न्यूज ने तमाम हकायक से जब पर्दा उठाया तो उसकी पादाश में दुनिया न्यूज को पंजाब हुकूमत की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। एक तरफ पूरे पंजाब में 100 से जायद अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बने इन दवाइयों की सूरत में, उस तरफ तवज्जो दी जाती, इंक्वायरी कमेटियां बिठाई जाती, जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है वो बात की जाती, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया न्यूज जो है उसको धमकी दी जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सीनियर रिपोर्टर जो है असद शाही वो हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी असद शाही, बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने ये क्या कारकर्दगी दिखाई है कि एक तरफ PIC स्कैंडल जो है वो सामने है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, दूसरी तरफ दुनिया न्यूज की टीम को जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखें, पंजाब में पिछले कुछ अरसे से एक डिजास्टर के बाद बड़ा डिजास्टर जो है आ रहा है, और इसमें सबसे पहले डेंगू का जो इशू था, आप वो देखें कि लाहौर में स्प्रे ना हुए, सैकड़ों लोग जो है वो मारे गए, उसके बाद फिर PIC का इशू आया, तो ये सारे इशूज जो है इन पे जाहिर है चैनल जो है वो भारत और न्यूज चैनल जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे थे, पब्लिक को अवेयरनेस भी दे रहे थे, जाहिर है जिनकी गफलत है उस पर भी बात कर रहे थे पंजाब हुकूमत की। तो इसमें बहुत वाजे बात है कि PFUJA का बड़ा क्लियर स्टैंड है इस पे कि हम जो है वर्कर्स के साथ खड़े हैं, और किसी भी इदारे को अगर जबरदस्ती या उस पर दबाव डाला जाएगा तो PFUJA हर उस इदारे के साथ खड़ी होगी जहां वर्कर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनको तनख्वाहें बर वक्त दी जा रही हैं। तो दुनिया न्यूज एक ऐसा चैनल है जहाँ पे तनख्वाह बर वक्त मिल रही है, किसी की जो है वो वर्करों को तनख्वाह उनकी रोकी नहीं जाती। तो PFUJA जी असद शाही आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, दूसरी तरफ हमारे दुनिया न्यूज के ब्यूरो चीफ और सीनियर तजियाकार सलमान गनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सलमान गनी साहब, PIC स्कैंडल को बेनकाब करने की पादाश में दुनिया न्यूज को धमकियां दी जा रही हैं, क्या कहेंगे? पंजाब हुकूमत अपनी कारकर्दगी जो है वो सामने लाने के बजाय दुनिया न्यूज को धमकियां दी जा रही हैं, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर आप? देखिए, बात यह है कि पंजाब हुकूमत हमेशा जमहूरियत की बात करती रही है, हमेशा आजादी इजहार की बात करती रही है, आजादी सहाफत की बात करती रही है, लेकिन एक अरसा से जब आपको याद होगा कि डेंगू की वबा के नतीजे में होने वाली हलाकतों और खास तौर पे PIC में नाकस अदयात के स्कैंडल के बाद, हालिया खाड़क के वाक्य के बाद से हमारे एंकर और मुस्लिम जुम्मेदारान को कहा गया कि अगर आपने तर्जे मल तब्दील ना किया तो हम आपको अपने अंजाम पे पहुंचाएंगे। हमने उनसे पूछा कि बताएं हमारा जुर्म क्या है, क्या अगर पाकिस्तान का मीडिया और दुनिया के एंकर और कारकुन लोगों तक हकायक पहुंचाने का जुर्म कर रहे हैं, उन्हें ये धमकियां देके कि हम आपको अपने अंजाम पे पहुंचाएंगे। पंजाब के हुक्मरान क्या बता रहे हैं, ये उनका जमहूरी तर्ज अमल है, ये उनका सियासी तर्ज अमल है। अगर आज की का पस मंजर देखा जाए, ये लोग पाकिस्तान से बाहर थे, ये पाकिस्तान का मीडिया था जिसने एक फौजी डिक्टेटर के खिलाफ बाकायदा जदोजहद करते हुए इनके इकतदार की धार उमार की, और दुनिया पे ये साबित किया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत के साथ मशरूत है,
और जमहूरियत के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातों को सियासी क्यातों को आजाद सजा फराहम की जानी चाहिए। और जब इन्हें आजाद सजा मिली और ये हुकूमतों में आई तो इन्होंने वही दर्ज अमल अख्तियार किया जो फौजी डिक्टेटर्स का था। और आज से पंजाब के जमादारान की जानब से दुनिया टीवी के एंकर और कार्टून को कहा जा रहा है कि हम आपको आपके अंजाम पे पहुंचाएंगे, अपना तर्ज अमल तब्दील करें। तो मैं पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारान को बताना चाहता हूँ कि जो वो करना चाहते हैं करें, हम हक और सच बात कहने का फरीजा सर अंजाम देते रहे हैं देंगे और कोई उनके इंतकामी हथकंडे हम पर असरअंदाज नहीं हो सकते। अजीत सलमान गनी साहब, एक तरफ जो है पीएससी स्कैंडल से सैकड़ों हलाकतें जो हैं, 100 से ज्यादा अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बने, उससे पहले डेंगू की तमाम सूरत हाल थी, तो दुनिया न्यूज ने हमेशा जो है वो हक और सच का साथ दिया। तो पंजाब को आप नहीं समझते पंजाब हुकूमत को ये चाहिए था कि पीएससी स्कैंडल की तरफ तवज्जो देती, जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ वो पूरी जो है फोर्स वो दुनिया न्यूज की टीम की तरफ लगा दी है, सीनियर एंकर्स को धमकियां दी जा रही हैं, रिपोर्टर्स को, तो ये क्या पंजाब हुकूमत इश्यूज पर जो है वो काम करने के बजाय दूसरी तरफ जो हक बात कहने वाले कलमा हक कहने वाले उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पंजाब हुकूमत का ये तर्ज अमल जाहिर कर रहा है कि वो किसी अंदरूनी खौफ से दो चार है। मैं समझता हूँ खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्यादत को इस तर्ज अमल का नोटिस लेना चाहिए और हमें अपने अंजाम पर पहुंचाने की धमकियां देने वाले पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारान ये बात याद रखें और अपने पास लिख लें कि पाकिस्तान के मीडिया ने पाकिस्तान के साहसियों ने हमेशा हक और सच की बात की है और इस तरह के इंतकामी हथकंडे उन पर कभी भी हक और सच कहने पर असरअंदाज नहीं हो सके। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया न्यूज ने हमेशा जमहूरी तर्ज अमल का मुजाहरा किया और वही बात की जो अवाम के जज्बात और एहसास की तर्जमानी का फरीजा अदा किया और खास तौर पर डेंगू की फजा के नतीजे में होने वाली हलाकतों में उन्होंने दुरुस्त जो अवाम के सामने रखे और नाकस अज़ियात का स्कैंडल जो हाल ही में पीआईसी में सामने आया है उसमें जो दुरुस्त बात थी वो लोगों के सामने रखी और उसमें हाल में हमारे जिम्मेदारान को हमारे एंकर्स को हमारे साफी कार्टनों को ये कहा गया कि आप अपना तर्ज अमल दुरुस्त करें। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या लोगों तक हक और सच पहुंचाना, क्या दुरुस्त बात करना, क्या ये जुर्म बन गया है? और खुद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो हमेशा अदलिया की आजादी की बात करते हैं, मीडिया की आजादी की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि वो ये तर्ज अमल अख्तियार करने पे मजबूर हुए और पंजाब हुकूमत के जो जिम्मेदारान मीडिया को थ्रेटन कर रहे हैं उनका नोटिस भी लेना उनकी जिम्मेदारी है। और वो ये बात याद रखें कि अगर पाकिस्तान का मीडिया फौजी डिक्टेटर के दौर में जेलों और इसके अलावा शहादतों का सफर जो जारी रख सकता है तो आज के फरान जो खुद को मुस्लिम फरान जमहूरी फरान कहते हैं उनके चेहरे से तो जी सलमान गनी साहब, इस हवाले से आप बात कर रहे हैं और आपके ये भी कहने कि पंजाब हुकूमत हमेशा से अदलिया और जमहूरियत के हवाले से बात करती आई है, तो आप नहीं ये समझते कि मीडिया जिसने हमेशा से जमहूरियत के हवाले से बहुत काम किया, जमहूरियत की बहाली के हवाले से हमेशा जो है वो हक और सच का साथ दिया, अदलिया की आजादी के हवाले से सच और हक का साथ दिया, पंजाब हुकूमत जो है वो इस वक्त ये चीज दिखाना चाह रही है, ये चीज साबित करना चाह रही है कि दोबारा से डिक्टेटरशिप का दौर है और वो किसी भी मीडिया को और खुसूसन दुनिया न्यूज को हक सच बात कहने पर जो है वो दबा लेंगे, क्या ये सारे मामले को दिखाना क्या चाह रही है पंजाब हुकूमत, साबित क्या चीज होना चाह रही है? मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत है और वो जो गवर्नेंस के दावे किए जाते थे वो गवर्नेंस के दावे आवाम के सामने एक्सपोज हो गए हैं और दुनिया न्यूज जो दुनिया के सामने हकायक लेके आ रहा है उसे सिर्फ इसलिए मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है कि वो आवाम की बात करता है और आवाम पर टूटने वाले मुश्किलात के पहाड़ में उनके एहसास और जज्बात की तर्जमानी का फरीजा सर अंजाम देता रहा है। आज के हुक्मरान जो खुद को जमहूरी हुक्मरान कहते थे, मैं समझता हूँ कि मीडिया को टारगेट करके उन्होंने साबित कर दिया है कि जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर हो या वजीर अला पंजाब शहबाज शरीफ का दौर हो, मीडिया को सिर्फ इसलिए काबिल कदरदानी करार दिया जाता है कि वो हमेशा आवाम की बात करता है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया न्यूज के एंकर कार्टूनों और इंसानियों को मिलने वाली धमकियों के बाद अब चैन पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेज की कोर्ट में है कि क्या मीडिया को इस बात की सजा दी जा रही है कि मीडिया ने हक और सच की बात की है,
मीडिया पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती की बात करता है, मीडिया ने अपना फरीजा सर अंजाम दे के उन दिन का इकतदार में आना मुमकिन बनाया और मीडिया के जद्दोजहद के नतीजे में बस्ते इकतदार आने वाले हुक्मरान आज मीडिया का गला घोटना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें बावर करवाना चाहते हैं कि गुजरे हुए कल में भी हमने आप पर सच की बात की, आज भी कर रहे हैं और आने वाले कल में भी करेंगे, और कोई हुक्मरान हाँ जमहूरी हो हाँ अमर हो हमें अपने असल मिशन और इसे नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब रिपोर्ट टू से बात करने के लिए। ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज के सलमान गनी, उनका के ये कहना था कि हक और सच कहने की पादाश में अगर दुनिया न्यूज को धमकियां मिलती रहीं तो ये एक पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो सामने लोगों के सामने आएगी, और कलमा हक कहने से दुनिया न्यूज के रिपोर्टर्स उनके एंकर्स जो हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और अब बात करते हैं सदर PFUJ राना अजीम से। राना अजीम साहब, दुनिया न्यूज को कलमा हक कहने पर जो है वो धमकियां मिल रही हैं, सहाफत के ऊपर आजादी सहाफत के ऊपर कलमा हक कहने पर एक पंजाब हुकूमत की तरफ से ये जर्ब लगाई जा रही है, क्या कहेंगे बहसियत आप एक रिपोर्टर एक जर्नलिस्ट की सारी सूरत हाल क्या है? पंजाब हुकूमत PIC स्कैंडल को दबाना चाह रही है और दुनिया न्यूज की टीम को दुनिया न्यूज के सीनियर एंकर को जिन्होंने हकायक सामने लाए हैं उनको दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे सूरत हाल पर आप? पहले जिस तरह के ये तो एक मामूली सी बात है कि क्या इनके कहने पे हम सच बोलना छोड़ देंगे, क्या इनके कहने पे हम दब जाएंगे? हमने हमेशा पहले सच की बात की है, हमारे लोगों ने शहादतें नहीं है और हमने हमेशा सच का साथ दिया और अब भी सच का साथ दे रहे हैं। जहां तक बात है कि इनमें से अगर कोई शख्स ये कहे कि कोई हुकूमत कोई भी हुक्मरान हो वो हमें दबा लेगा, दबा कर हम पर झूठे मुकदमा बनाकर किसी तरीके से ये खौफ पैदा करने की कोशिश करेगा कि हम सच बोलना छोड़ दें, तो ये उनकी गलत फहमी है। अगर वो ये करना चाहते तो वो करके देख लें, इसका हमाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पहले उन्होंने इन्होंने दूसरे लोगों ने एजेंसी ने हमें दबाने की कोशिश की, हमने उनके खिलाफ क्या किया सबने देखा। हम अकेले नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सहाफती बरादरी है वो इकट्ठी हो चुकी है। आज तो PFUJ ने कॉल भी दे दिया है कि हमने एहतजाज करना है, बिल्कुल हम एहतजाज भी करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। अगर हुकूमत ने इस मामले को खत्म ना किया, अगर सहाफियों को दबाने की कोशिशें बंद ना की और वो लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है अपने सहाफी साथियों का तहफ्फुज़ करना जानती है, हम तहफ्फुज़ करेंगे हर हाल में और करते रहेंगे। जी राना अजीम साहब, आपने कहने के तमाम जो सहाफी हैं उनका तहफ्फुज़ करते रहेंगे। राना अजीम साहब, एक बात जो है बड़ी वाजे आप इस हवाले से बात करेंगे कि PIC स्कैंडल जिसमें 100 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं, आप क्या समझते हैं कि सहाफियों को दबाना खुसूसन दुनिया न्यूज की टीम को जो है वो इस हवाले से दबाव डालना उनको धमकाना ये एक तरफ है और दूसरी तरफ 100 से ज्यादा हलाकतें होगी PIC स्कैंडल के हवाले से, उससे पहले जो है वो डेंगू के हवाले से तमाम इश्यूज आए, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को दिखाना ये जुर्म है, कलमा हक कहना बुलंद है, कलमा हक कहना जुर्म बन गया है, हक सच कहना जो है वो क्या जुर्म बन गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? पंजाब हुकूमत को अपना फोकस किस पे रखना चाहिए था, ना कि जो है वो सीनियर एंकर्स को या रिपोर्टर को दुनिया न्यूज की जो टीम है उनको दबाया जाए, क्या समझते हैं पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी क्या थी? लेकिन पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी जो इन तमाम वाकयात में मुलव्वस लोग थे जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी जो इनको चेक करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते, हम उसको भी दिखाते हैं आप भी दिखाते हैं सब मिलकर दिखाते हैं जी वजीर अला पंजाब ने फलां शख्स ने जो जो भी है उसने ये कार्रवाई की है उसने इफला के खिलाफ एक्शन किया है। हमने तो निशानदही की कि यहाँ यहाँ पर दो नंबर काम हो रहा था, यहाँ यहाँ पर झूठ था, ये लोग इसके जुमरे में आते हैं जो जिम्मेदार हैं इस चीज के। अगर हमने तो इनकी निशानदेही की, हमने तो वो ड्यूटी दी जो इनको खुद करना चाहिए थी और उसकी बजाय हमें शाबाश देने के उसके बजाय कि मीडिया को अप्रिशिएट करते इन्होंने उल्टा मीडिया के ऊपर एक तलवार चलानी शुरू कर दी जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सुबह जो एहतजाज होगा आपके सामने आ जाएगा, उस एहतजाज में सब पता लग जाएगा कि मीडिया कहाँ पे खड़ा है और पूरी सहाफती बरादरी जो है वो सब मिलकर जो है इसका मुकाबला करेंगे। जी जी राना अजीम साहब, आप कहेंगे कि सच बोलने की जो है वो पादाश में उसको होना तो ये चाहिए था, जिस तरह सहाफियों ने जिस तरह से मीडिया ने ये तमाम हकायक से पर्दा उठाया तो उसको शाबाश दी जाती है, लेकिन उसके उल्टा उसको धमकाया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि ये दोबारा वही दौर नहीं आ रहा जो डिक्टेटरशिप का दौर आज से जो 20 साल पहले था या जो आज से 8 साल पहले नजर आ रहा था 4 साल पहले नजर आ रहा था, आप क्या समझते हैं कि सहाफी जो है वो दब जाएंगे? आप सदर हैं PFUJ के, आप ये बताइए कि ये सारी सूरत हाल पर जर्नलिस्ट कितने मजबूत हैं कि ये कलमा हक बुलंद करते रहेंगे, हक सच के जो है वो बात करते रहेंगे और हकायक से पर्दा उठाते रहेंगे, आप क्या समझते हैं बहसियत सदर? आप सरबराह हैं पूरी की पूरी तंजीम के और आपके साथ एक बड़ी जो है कसीर तादाद है जर्नलिस्ट की, क्या समझते हैं कि
कभी भी जर्नलिस्ट जो है सहाफी वो पीछे हट सकता है कलिमा हक कहने से? देखिए जी, ना तो हम इनसे डरे हैं ना डरेंगे और ना डर सकते हैं। मैंने तो आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात किया है कि नसार उस्मानी मरहूम जो है, हमने उनका जल परचम लेके निकले हैं, हम मिनहाज भन्ना का परचम लेके निकले हैं, हमने हमेशा लड़ाई की है उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने आजादी सहाफत को दबाने की कोशिश की है। ये क्या समझता है, अगर हम आमरियत के खिलाफ लड़ सकते हैं, अगर हम फौजियों के खिलाफ लड़ सकते हैं, एजेंसियों से हम लड़ाई ले सकते हैं, तो ये तो मामला ही कोई नहीं है। ये करके देखने कोशिश जो करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं अपनी तमाम बरादरी की हिफाजत करना जानता हूँ, मेरी पूरी यूनियन, हमारे तमाम साथी जो हैं वो इसी वक्त हमने फौरी तौर पर हम इकट्ठे हो गए हैं और हमने एक असेंबली बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी कराची में और इस्लामाबाद में अपने इजलास तलब कर लिए हैं और इंशाल्लाह हम तहफ्फुज देंगे अपने हर उस साथी को जो हकीकत के लिए निकलता है, जो सच के लिए निकलता है, जो आजादी सहाफत के लिए निकलता है। बहुत शुक्रिया राणा अजीम साहब। राणा अजीम साहब से ये कहना था कि दबाने से या धमकाने से जो है वो कलमा हक बुलंद नहीं करेगा, हम तमाम अपने साथियों की जो है उसका तहफ्फुज करेंगे और हर उस हद तक जाएंगे कि जिसके लिए हक और सच की बात की जा सकती है। इसी हवाले से हम बात करते हैं तनवीर शहजाद साहब से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं। जी तनवीर शहजाद साहब, दुनिया न्यूज को धमकियां दी जा रही हैं कलमा हक कहने पर पंजाब हुकूमत की जानब से, पीआईसी स्कैंडल सामने लाने पर दुनिया न्यूज के एंकर्स को, दुनिया न्यूज की रिपोर्टिंग टीम को धमकियां दी जा रही हैं, आप क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर कि पंजाब हुकूमत को करना क्या चाहिए था और उनकी जानब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए मुदस्सर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान जो है ये सहाफियों के लिए एक खतरनाक मुल्क बन चुका है और यहाँ पे फिरका वराना तंजीमों की तरफ से, बाज रियासती इदारों की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से हमेशा सहाफियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब ये पंजाब हुकूमत ने जो रवैया अपनाया है, ये इसका अंदाजा आप इस बात से लगा रहे हैं कि तमाम जो सहाफती तंजीमें हैं वो इसकी मजम्मत कर रही हैं और बाज औकात जो शख्सी मफादात होते हैं या एक पार्टी के मफादात होते हैं उनको कौमी मफादात का नाम देकर वो कमी कार्रवाइयां शुरू करते हैं। हम इस बात की सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं। ये जो दुनिया न्यूज को धमकियां दी जा रही हैं, जो सीनियर एंकर्स को धमकाया जा रहा है, हम इसके खिलाफ मुशावरत कर रहे हैं, पीएफ यूजे के साथ भी, प्रेस क्लब के साथ भी, बाकी सहाफती तंजीमों से हम रबते कर रहे हैं और हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे, हम माल रोड के ऊपर आएंगे, हम दफा 144 जो है उसको तोड़ते हुए हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हम इस बात का भी जायजा ले रहे हैं कि हम एक SOS मैसेज जो है वो जो बैन अल-अक़वामी सहाफती तंजीमें हैं उनके इल्म में भी ये लेके आ रहे हैं और ये पंजाब हुकूमत का ये जितने इससे पहले सहाफियों के खिलाफ उनकी जो कार्रवाइयां रही हैं हम उसको भी मुरतब कर रहे हैं। हम इनको लोगों के सामने लेके आएंगे और ह्यूमन राइट्स के इदारों से हम ये अपील करते हैं कि वो मीडिया की आजादी के लिए अपना किरदार अदा करें। अगर मीडिया को धमका के ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मीडिया के लिए अपने फराइज की अंजामदही। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो जमहूरियत है, ये जो करप्शन के बेनकाब करने का अमल है, ये बहुत बुरी तरह मुतासर होगा। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम इसके ऊपर एहतजाज करने के लिए अपने दोस्तों के साथ मुशावरत जारी रखे हुए हैं। तनवीर शहजाद साहब, ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत का ये जो तर्ज अमल है किस सोच की अक्कासी करता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप की जो सोच है, आमरियत की जो सोच है, उसको उसकी अक्कासी करता है ये इकदाम? एक्चुअली बुनियादी तौर पर पंजाब हुकूमत बारे में हम तो ये देख रहे हैं कि जिस तरह की गवर्नेंस यहाँ पे चल रही है, एक फैक्ट्री का सा माहौल है, जिस तरह से मुलाजमीन के साथ जो सलूक होता है, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपनी मर्जी मनवाने की जो बातें होती हैं और जो एक शख्सी जो अनाक के साथ जो फैसले होते हैं, उसी तरह से ही वो सहाफियों को डील करना चाहते हैं। एक ऐसा आदमी जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के मुंह के ऊपर फाइलें मार देता है, एक ऐसा आदमी जो अपने ही खानदान के लोगों को अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहता है और उन्हें ओहदे देता है, वो चाहता है कि सहाफी भी उनकी ताबेदारी करें और उनकी हां में हां मिलाएं। और खास तौर पे एक ऐसे वक्त जब एक हुकूमत डेंगू के मसले पे नाकाम हुई, एक हुकूमत अद्वियात के मसले पे नाकाम हुई, एक हुकूमत जो लोगों के बहुत से मसाइल हल करने में नाकाम रही, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट का क्या सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि दूसरे मसाइल जो है वो कितने संगीन सूरत अख्तियार करते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में
बजाय इसके कि ये मसाइल को ठीक करें, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, ये लोग मीडिया को धमकाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। और हम ये बात जो है वो कौम के सामने रखना चाहते हैं कि ये वक्त है कि मीडिया के साथ इजहार यकजहती किया जाए, ये वक्त है कि सारे जो सिविल सोसाइटी है, ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, जो पाकिस्तान में एक आजाद मीडिया देखना चाहते हैं, हमने आजाद अदलिया के लिए कोशिश की थी, आज उसके सम्राट हम देख रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि अब आजाद मीडिया के लिए जो हुक्मरानों के ये गलत रवैये हैं इनके सामने डट जाया जाए और इसकी मजम्मत की जाए, इसकी मजम्मत की जाए। हम तवक्को रखते हैं कि आने वाले दिनों में कौम जो है मीडिया का साथ देगी और हुकूमत जो है कभी भी अपने मजमू मकासद में कामयाब नहीं होगी। अगर इनको खुल खेलने का मौका दिया तो कल को मैं ये वार्न करना चाहता हूं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सहाफियों को इनके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे और इनको एक ऐसा तर्ज़-ए-अमल इख्तियार करने पर मजबूर करेंगे जो कि किसी भी तरह सहाफत की आजादी से मुताबिकत नहीं रखता होगा। बहुत शुक्रिया तनवीर शहजाद साहब हमसे बात करने के लिए। और इसी हवाले से हम बात करते हैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर सरमद बशीर साहब से। जी सरमद बशीर साहब, बहुत शुक्रिया सिटी फॉर टू से बात करने के लिए। ये बात बताइएगा कि आज जो है वो दुनिया न्यूज़ को धमकियां दी जा रही हैं आज़ादी सहाफत के ऊपर, जो है पीआईसी स्कैंडल का मसला तमाम उठाया और उस पर दुनिया न्यूज़ की पूरी टीम को, उनके सीनियर एंकर को, रिपोर्टिंग टीम को धमकियां दी गई। आप क्या कहेंगे, सदर हैं प्रेस क्लब के, बहुत सीनियर आपका वक्त गुजरा है, क्या बताएंगे इस हवाले से, क्या कहेंगे? बहुत ही काबिल मजम्मत बात है जी। मैं भी अपने बाकी साथियों की तरह इस इकदाम की जो पंजाब हुकूमत का है इसकी मजम्मत करता हूँ और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दूसरी बात यह है कि साथियों का तो ये वाकई ये काम है, जिसका भी मेरे दोस्त तनवीर शहजाद भी कह रहे थे कि जो इररेगुलरिटीज हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में उनको पॉइंट आउट किया जाए। और अगर इसको ये हुकूमत, कोई भी हुकूमत ये समझे कि हमारे साथ ये हमें टारगेट किया जा रहा है तो ये सोच ही बिल्कुल गलत है। और देखिए दो इशू हुए, एक एसी में कंटेमिनेटेड मेडिसिन वाला इशू हुआ है और दूसरा फिर ये जो बिल्डिंग कलैप्स हुई है जिसमें इतने लोग जो हैं वो मर गए हैं, दोनों जगह जो है एक इंतजामी नाकामी नजर आती है। और अगर इस चीज को मीडिया जो है रिपोर्ट कर रहा है तो मेरा भी ख्याल है कि वो ज्यादा कर रहा है या किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ कोई किसी किस्म की जो है साजिश कर रहा है। ये तो मीडिया का काम ये है कि इन चीजों को नोटिस इन चीजों का ले, अखबारात में ये चीजें आए, टेलीविजन चैनल्स पे ये चीजें सामने आए ताकि हुकूमत को पता चले कि कहां कहां उनकी इंतजामी गलतियां, उनको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए। इसके ऊपर जो चंद रोज पहले पंजाब के लॉ मिनिस्टर राणा सनाउल्ला साहब का रिएक्शन था, जिस तरीके से उन्होंने बात की पंजाब असेंबली में, उस वक्त वहां पे उनके अपने साथी वकला, उनकी एथिक्स कमेटी के लोग बैठे हुए थे और ये देखने आए थे कि पंजाब असेंबली की प्रोसीडिंग्स किस तरीके से चलती हैं, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं वो आवाम के मसाइल को किस हद तक अपनी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाते हैं। तो उसके ऊपर सिर्फ ऑपरेशन की तरफ से ये चीज पॉइंट आउट की गई कि जी पीआईसी इतने लोग मर गए हैं तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो पंजाब हुकूमत अभी तक डिटरमिन करने में नाकाम रही है कि कौन इसका जिम्मेदार है। तो जिस डिप्टी ऑपोजिशन लीडर से उन्होंने ये बात पॉइंट आउट की तो राणा सनाउल्ला साहब ने जो वहां पर जबान इस्तेमाल की वो आप सब लोगों ने देखा, टेलीविजन चैनल के जरिए पाकिस्तान के आवाम ने देखा। तो मतलब ये तो बहुत ज्यादती है कि ये कहा जाए कि जी हमें टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मीडिया अपना काम कर रहा है, अपनी जो उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्ट करने की वो काम कर रहा है। मैं हॉल प्रेस क्लब की तरफ से दुनिया न्यूज की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उनके एंकर्स के साथ इजहार यकजहती करता हूँ लाहौर के सहाफियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया सरमद बशीर साहब सिटी फॉर टू से बात करने के लिए। नाज़रीन आपको एक मरतबा फिर बताते चलें कि कलमा हक कहने की पादाश में दुनिया न्यूज़ के एंकर्स को, दुनिया न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं पीआईसी स्कैंडल के हवाले से। यकीनन ये सहाफत पर पंजाब हुकूमत की तरफ से एक ज़र्ब है जो यकीनन सहाफत के एक खिलाफ है। आज़ादी सहाफत की बात करने वाले, अदलिया की आज़ादी की बात करने वाली पंजाब हुकूमत ने दुनिया न्यूज़ के पूरी टीम को, दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर्स को धमकियां दी हैं पीआईसी स्कैंडल के हवाले से, बल्कि दुनिया न्यूज़
की बात की जाए कि उन्होंने पूरी की पूरी स्कैंडल की जो है उसको बेनकाब किया, उस बेनकाब करने पर जो है पीआईसी स्कैंडल के हवाले से पंजाब हुकूमत ने दुनिया न्यूज को मुसलसल जो है वो धमकियां दी हैं। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, हमारे साथ रहिए।